हेलो एवरीवन, तो आज का टॉपिक है जीपी रेटिंग का एडमिशन 2023 के जनवरी बैच के लिए। अभी फिलहाल तीन चार या पांच ही ऐसे कॉलेज बेस्ट कॉलेज है जहाँ से आपको काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद भी। वन ऑफ उसमें एक मूसी है, आपके ग्रेट ईस्टर्न हो गए, TS रहमान हो गई, ये कुछ गिने चुने कॉलेजेस हैं जहाँ से आपको जीपी रेटिंग पे प्लेसमेंट मिलता है। जो भी ये वीडियो देख रहे हो ये उनके साथ शेयर करें जिनको जीपी रेटिंग कोर्स करना है आगे, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने 10th के बेसिस पे, 12th बेसिस पे या ITI के बेसिस पे, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें वो। चलिए आज देखेंगे मूसी का फॉर्म जैसे निकल गया है, तो देखेंगे उसको फॉर्म को कैसे फिल करना है, उसके लास्ट डेट क्या है, कैसे क्या रिक्वायरमेंट्स है, सारे कुछ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग गूगल खोल लेते हैं। गूगल में हम लोग टाइप करेंगे मूसी गोवा, ऑप्शन दिख रहा है मूसी गोवा जीपी रेटिंग, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा जनरल पर्पस रेटिंग मूसी मैरिटाइम, आप खोल लीजिए। तो ये आपको पूरा उसके कोर्स के डिटेल्स दिख रहे होंगे इसमें। तो आप यहाँ डाउनलोड में चले जाओ। डाउनलोड में जाओगे तो आपको दिखेगा जीपी रेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, देख रहे हो। अब इस पर क्लिक कर दो, आपको पूरा फॉर्म और उसके प्रोसीजर्स आ जाएंगे आपको यहाँ पे, म्यूनसिपैलिटी ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया सीफेयर्स। अब यहाँ पे देख सकते हो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है ये, कोई भी है भर सकते हैं। ITI कैंडिडेट्स जो हैं वो भी भर सकते हैं इसके लिए। 10+2 को जो इन्होंने किया है और जो 10th स्टैंडर्ड में है वो भी, 10th स्टैंडर्ड पास जिसने किया उन्होंने। जनवरी 2023 बैच के लिए है फॉर्म ये। कॉलेज GP रेटिंग TG अप्रूव्ड है तो इसमें आपको टेंशन नहीं है, कोई बात ही नहीं है। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का 31st ऑफ अगस्त 2022, उससे पहले आप फॉर्म भर सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सिलेबस इसमें पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यू में, उसके बाद कुछ जनरल डिटेल्स दिए गए आपके कोर्स के बारे में, किस टाइप के सिप्स होते हैं, क्या आपके काम होंगे उस पर, वो सिप क्या काम करती है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स उस पर आपको दिए हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं चलिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या क्या होते हैं। तो आपको यहाँ सबसे पहले में दिखेगा एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसमें आपके 10th या 12th में कोई से भी स्ट्रीम्स में 40% मार्क्स आए होने चाहिए, गवर्नमेंट बोर्ड से हो या इंग्लिश मीडियम CBSE ICSE किसी भी बोर्ड में 40% मार्क्स आने हैं। ITI किए होंगे तो आपके 2 ईयर्स की ITI चलेगी। आपकी एज जो है 17.5 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1st of July 2022 तक। हाइट 178 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आपकी BMI जो है वो 20 मिनिमम एंड 30 मैक्सिमम होनी चाहिए, उसके बीच में 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए। आप फिजिकली फिट होने चाहिए, कलर की विजन जो कलर की आई साइट है वो 6x6 से 6x9 तक के बीच की होनी चाहिए। तो आपके कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी वो 6 मंथ्स की रहेगी, जो कि आपके 1st of January 2023 से स्टार्ट होगी, क्योंकि फुली रेसिडेंशियल कोर्स होता है तो कुछ 6 महीने कॉलेज में रह के पढ़ने होंगे। इसमें आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो, और उस पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 30 जून 2024 तक की होनी चाहिए। आपके पास फाइनल डोज कोविड के वैक्सीन के होने चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो। यहाँ आप नीचे देखोगे तो आपके लिखा होगा वेन्यू, ये आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो मुंबई या गोवा में होंगे, वो एग्ज़ाम इंग्लिश बेस्ड रहेंगे, आपको इंग्लिश में ओरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैथ साइंस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, आपको इंग्लिश बेस्ड रहेंगे, आपको इतना आना चाहिए। जो भी आपके खर्च होंगे, आप एग्ज़ाम देने आओगे, आप वहाँ पे एग्ज़ाम दोगे, इंटरव्यू दोगे, जो भी करोगे आपकी खर्च पे होगी, उसके लिए कॉलेज आपको कुछ भी स्पॉन्सर नहीं करेगा। नीचे आप आओगे तो आपको पूरा इंस्ट्रक्शन है उसको डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। 1 जनवरी 2023 से आपकी बैच स्टार्ट होगी, इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी गैस कटिंग, वेल्डिंग, लेथ मशीन हैंडलिंग, गार्बेज लिफ्टिंग, पैक्स, ये सब की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो नीचे आपको दिख जाएगा एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया, जो कि हमने ऊपर देखा था वही सेम ही है, 10th और 12th से पास होने चाहिए 40% मार्क्स से, इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस सब्जेक्ट 10th स्टैंडर्ड होने चाहिए, या आपके पास ITI है तो 2 साल की आप ITI की डिग्री भी लगा सकते हो, वो दोनों एप्लीकेबल रहेंगे इसमें। जब अभी तक वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक का बटन जरूर दबाएं कि और ये और लोगों के पास भी पहुंच सके जो भी जीपी रेटिंग कोर्स करना चाहते हैं उसी से। नीचे जाएंगे हम लोग तो देखेंगे फॉर्म किस हिसाब से भरना है। तो आपको जो प्रिंट आउट लेना है, कलर प्रिंट आउट लेना है, आप ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट आउट नहीं लेना, कलर प्रिंट आउट निकालना, जो भी आप फॉर्म का प्रिंट आउट निकालोगे कलर प्रिंट आउट निकालना है। और उसमें आपके पासपोर्ट में दोनों नाम होने चाहिए, सरनेम एंड गिवन नेम, अदरवाइज आपकी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप देखो आप पासपोर्ट नहीं बनवाया है तो आप जल्दी से बना लो, इस टाइप से बनाओ कि आपको सरनेम एंड गिवन नेम आपके दोनों उसमें हो, मेंशन हो, मतलब नहीं तो रिजेक्ट हो सकती है आपकी फॉर्म। जो भी आप फॉर्म भरोगे
जो भी आप फॉर्म भरोगे उसको आपको मेल नहीं करना, डायरेक्ट उसकी हार्ड कॉपी आपको गिवन एड्रेस पे आपको सेंड करनी होगी, आपको ईमेल नहीं करना है। ये रहा उसका पूरा एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस जहाँ आपको सेंड करना है फॉर्म फिलअप करके। आपको स्पीड पोस्ट या कुरियर किसी से भी कर सकते हो, आप भेज सकते हो। थोड़ा नीचे और बढ़ेंगे तो यहाँ हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे डॉक्टर से और आई सर्जन से कैसे रिपोर्ट्स लेने हैं और कैसे उसको शो करना है। तो जो भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट लोगे वो डीजी अप्रूव्ड नहीं होनी चाहिए, डीजी अप्रूव्ड मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो आप नॉर्मली एक एमबीबीएस डॉक्टर जो और आई सर्जन है उनके पास आप जाके चेकअप करा सकते हो, और वो रिपोर्ट आपको लेटर हेड, उनके लेटर हेड पे लेना है और वो आपको सबमिट करना होगा। और जिन्होंने जो भी सर्जरी किए हुए हैं तो वो अपने डॉक्टर से उस ऑपरेशन के बारे में डिटेल्स लिखवाएंगे, कब वो फिट हुए थे, सी में अपना करियर बना सकते हैं, वो उसमें मेंशन करेंगे। ये कुछ नीचे में फॉर्मेट दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट में आपको अपने आई टेस्ट करवाने हैं, उसके फॉर्मेट हैं। आप ये अपने डॉक्टर को शो करके इस फॉर्मेट में उनसे रिपोर्ट ले सकते हैं। फिर नीचे एक जनरल जो एमबीबीएस डॉक्टर है उनसे आप ये बीएमआई का फॉर्मेट शो करके अपने बीएमआई का सर्टिफिकेट ले सकते हो। फिर नीचे बढ़ेंगे तो आपको फॉर्म फिलिंग के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे हमने बताया कि कलर प्रिंट आउट लेना है, ब्लू ब्लैक पेन से आपको फिल करना होगा, कैंडिडेट ही फिल करेगा फॉर्म, किसी और से आप रिलेटिव से या फ्रेंड से आप ना भरवाएं। डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर से कोई भी मेडिकल नहीं कराने हैं, अब उनके लेटर हेड पे आपको कोई सा भी रिपोर्ट लेना है वो उनके लेटर हेड पे आप ले लोगे। कोई भी आप फेक सर्टिफिकेट डॉक्टर के, कोई भी फेक सर्टिफिकेट आप इसमें अटैच नहीं करो, क्योंकि बाद में उनको उनके खुद के डॉक्टर्स होते हैं, खुद वो आपको एग्जामिन करेंगे, फिर आप या फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हो तो आप फिर लास्ट में एडमिशन लेने के पहले उस लास्ट मोमेंट पे जाके आप फंस जाओगे। तो आप कभी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं, फेक सर्टिफिकेट कभी सबमिट नहीं करना। और जो आपकी पासपोर्ट रहेगी वो ECR रिक्वायर्ड नहीं होनी चाहिए। ये रहा आपका फॉर्म, ये फॉर्म को ही आपको प्रिंट आउट निकालना है, जिसमें देखते हो सरनेम भरना है, गिवन नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, आपको टेंथ के मार्क्स जो भी हैं रिक्वायर्ड, ओवरऑल मार्क्स आप यहाँ फिल कर लोगे, कौन से बोर्ड से आप किए हो ये दोनों भर लेना है, आपके फादर इस लाइन में थे सीमेन हैं तो उनके डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिर जो भी आप टेंथ के मार्कशीट अटैच कर रहे हो, जो नहीं कर रहे हो, आपको जो भी अटैच कर रहे हैं आप यहाँ पे अटैच करते जाना और यहाँ पे मेंशन करते जाना है येस और नो में। फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नेम ऑफ कैंडिडेट डालना है और यहाँ पे साइन करना है यहाँ पे। फिर आपको सेकंड पेज है ये फॉर्म का, ये भी आपको पूरा फिल करना होगा, मोबाइल नंबर, एड्रेस आपका, स्टेट, आपको सारा कुछ फिल करना है यहाँ पे। फिर उससे कुछ सारे इंस्ट्रक्शन है जिस हिसाब से आप कोर्स पे ज्वाइन करोगे तो आपको क्या क्या फॉलो करना होगा, कि आपको लास्ट में आके हुई सर्टिफिकेट फेक आपकी हुई या कोविड डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी चीज़ फेक हुआ तो आपको इतना फाइन पड़ेगा। इस कोर्स की फ़ीस है 1,50,000, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे भेजना होगा नूसी को। यूनिफॉर्म एंड जो आपके चीज़ें वहाँ पे यूज़ करोगे, ब्लैक बेड सेट एंड ऑल, उसके लिए 70,000 फीस है, एंड कॉशन मनी 2,000। तो ये आपके टोटल 2,00,000 के अंदर के खर्च हैं इस टोटल कोर्स में करने के लिए। तो ये रहा पूरा, आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लो और आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हो ईजीली। वापस जाके नूसी के होम पेज पे देख सकते हो उसके बारे में आपको, या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी डेट्स के बारे में पूछना है तो आप कांटेक्ट में जा सकते हो। कांटेक्ट में जाके आप इस मेल आईडी को देखोगे तो इस पे आप मेल करके उनसे जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो ले सकते हो आप। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं वीडियो से अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और शेयर करें अपने और भी GP रेटिंग जिन्हें करना है उनके साथ, तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्प्रेड हो पाए, क्योंकि लास्ट कुछ 15 डेज ही बचे हुए हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो जल्दी से जल्दी उनको पता चल पाए जो इस साल अपीयर करना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन जा पाए। ओके, तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।